So from the very beginning, we have been discussing that blurred relation chapter रे हमको चारिटा different type of questions देखिया को मिला है गुटे होचे indicative. The second one is the statement based. The third one is the symbol or statement based. And the fourth one is the puzzles. जो टकी kind of mix and match है कि था है arranging, setting arranging सही तो mixed है कि था है और UPSC, OPSC रो ये portion रो basic questions ऐसे इटा हमें इन द पास्ट वीडियो भी डिस्कशन कर सारू आउ गोटे जिन कर सारू जे वी हाव लुकड आट एव्री टाइप अफ क्वेश्चन फ्रम द इंडिकेटिव पार्ट पॉइंटिंग आउट क्वेश्चन आम एम्पल अमाउंट अफ क्वेश्चन सल्व करूँ जी दरकार कनसेप्ट बिल्डर आरंभ करके रियल एग्जाम स्टाणार्ड क्वेश्चन जहाँ जहाँ भी पढ़ी सबू आम डिस्कसन कर सारी सो नाउ इट्स टाइम लेट्स बिगिन विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द टाइप अफ क्वेश्चन आम ये डिस्कसन करवाक द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वेल एमती देखा गले इंडिकेटिव टाइप हो कि पॉइंटिंग आउट टाइप हो आउ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रे जदि तुम देखिबो स्ट्रक्चरल डिफरेंस किछे नाही हाउ एवर गोटे जिनस अछि जे इंडिकेटिव टाइप रे हमको नेम देखिया को मिलुतला राजेश सेड टू कोमल दैट ही इज माय फादर्स डॉटर समको ढमको ए टाइप मिलुतला सिमिलर जिनसटा हमको मिलिबो स्टेटमेंट बेस्ड रे किंतु सेठी नेम न था कि सेठी थी लेटर्स हला लेटर्स इन द सेंस ए सेड टू बी दैट सी इज द मदर सी लेटर सी इज द मदर ऑफ एम रो एक्स रो भाई रो भोनी रो ए टाइप रो दब तो एठी गोटे जिनस हमको ध्यान रखियार अछि जो जेंडर डिमार्केशन टा इट इज इंपोर्टेंट ओवर हियर ऑलराइट सो लेट्स हैव अ लुक अपॉन द बेसिक अप्रोच कि केमती स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को हमें अप्रोच करिया को जिबा विथ सम एग्जांपल्स हला तो स्टेटमेंट बेस्ड माने किटा स्टेटमेंट थी से हिसाब से आम कौन करिया इनफॉर्मेशन गुड़ाक अरेंज करवा रिलेशंस गुड़ाक अरेंज करवाक जा कौन कौन बेसिक अप्रोच रहिबो सिमिलर इंडिकेटिव टाइप रे जमती तुम जनरेशन रो कांसेप्ट फॉलो करथिलो सेम रहिबो एटी हाउएवर गोटे एडिशनल जिनस रहिबो जे आम जेतेबेले जनरेशन वाइज अरेंज करी करी जाउचू क्वेश्चन रे कि गिवन रे जहाँ भी आमर जेनरे ए सॉरी जेंडर रिलेटेड इनफॉर्मेशन थिबो सेटा आमे कोन करिया डिमार्केशन करिबा क्लियर ताहले कोन हबो आम रिप्रेजेंटेशन टा बहुत सहज हो जिवो बी इज द डॉटर ऑफ सी ता माने सी टा को आमे कोन करिया सी टा को ऊपर रखिबा बी टा को ता तळे रखिबा बी टा रे माइनस दबा बिकॉज़ बी होची गोटे फीमेल बिकॉज़ सी इज अ डॉटर राइट सी रो जनरेशन तो सॉरी जेंडर तो कहिनी सी रो जेंडर जदि कहिनी ताले आमे वेट करिबा आइदर अजम्पशन केमती करिबा कोन करिबा सेटा सिचुएशन ऊपर डिपेंड करे देखिबा लाइव एग्जांपल रे देखिबा फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट गोटे ए इज द सिस्टर ऑफ बी ताहले आमे केमती रिप्रेजेंट करिबा काइंड ऑफ एमिति ए होची बी रो सिस्टर ए माने गोटिए जनरेशन रे रहिले गोटिए लाइन रे लंग रहिले आउ ए होची फीमेल बिकॉज ए इज द सिस्टर ऑफ बी क्लियर नेक्स्ट स्टेटमेंट दबा बी इज द डॉटर ऑफ सी बी रो एठी जेंडर स्पेसिफाई कर देला बी होची गोटे झियो कहार झियो एठी होची बी होची सी रो झियो क्लियर बी इज द डॉटर ऑफ सी एठी क्लियर नाउ सी रो जेंडर स्पेसिफाई करिछि कि एठी करिनी सी इज व्हाट इज सी आमे जानी नाहु एबे जाके राइट देखिबा आगु को काले दोउची न दोउची सेटा देखिबा तो इन द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हमको टिके केयरफुल रहयो पडियो जोठी न देथिबो सेठी अजम्पशन करिबा जेतेले हम पाकर कंप्लीट एविडेंस कंक्रीट प्रूफ रही जिवो सेतेले ही अजम्पशन करिबा हला पूरा मूलरो अजम्पशन कर दबानी सी फादर भी हे पारे सी मदर भी हे पारे ठीक अछि कहार ए आउ बी दि जण करो बिकॉज़ ए आउ बी होचंदी सिस्टर्स राइट ए आउ बी होचन सिस्टर्स तम भौणी आउ तमे तमे जदि गोटे झियो तम भौणी रो मा की हला तम मा सेई कांसेप्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कहू जे ई इज द फादर ऑफ डी एठी किछि रिलेशन नै देखो ई आउ किछि कहिनि एबे एटा गोटे नुआ आसिला नुआ स्टेटमेंट जदि आसिला प्री स्टेटमेंट संगे किछि रिलेशन नै ताकु आमे कोन करिया गोटे साइड रे डिनोट कर परबा ई इज द फादर ऑफ डी ई रो जेंडर एठी कहि जे ई इज अ मेल ता माने ई होची डी रो फादर राइट ए जाय क्लियर ना डी रो जेंडर दैछि ना सी रो जेंडर एबे जाके दैछि नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो नेक्स्ट होची कहिला जे डी इज द ब्रदर ऑफ ए बस एटी एटी से बतेई दैछि डी होची ब्रदर ऑफ ए डी होची कोन ना ए रो भाई हेले डी बी रो भी भाई
ହେଲା ତା ମାନେ ଡି ଏ ବି ଏମାନେ କ'ଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଉ ୟାଙ୍କ ବାପା କିଏ ୟାଙ୍କ ବାପା ହେଉଛି ଇ ବିକଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଦେଇଛି ଯେ ଇ ହେଉଛି ଦ ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ଡି ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଠି ଦେଇଦେଲା ଯେ ଇ ହେଉଛି ଡିର ବାପା ଫାଦର୍ ଦେଇଦେଲା ଆଉ ଦେଇଛି ଯେ ଡି ହେଉଛି ଏର ଭାଇ ହେଲା ବ୍ରଦର ଯଦି ଏମାନେ ବ୍ରଦର ତା'ମାନେ ଏ ହେଉଛି ବିର କ'ଣ ସିଷ୍ଟର ତା'ମାନେ ଏଇ ତିନିଟା ଯାକଙ୍କର ସର୍ଟେଡ୍ ହେଇଗଲା ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଛୁଆମାନେ ଏଇ ଛୁଆମାନଙ୍କର ବାପା ହେଉଛି ଇ ଦେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି ଗିଭେନ୍ ଆଉ ବି ଦେଇଛି ଯେ ସିର ଛୁଆ ହେଉଛି ବି ସିର ଝିଅ ହେଉଛି ବି ତା'ମାନେ ସି କ'ଣ ହେଇଥିବ ସି ମଦର ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ ବୁଝିପାରିଲ କିଛି ବି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ଆମକୁ ଏମିତି ଯାହା ଦେଇଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଆରେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ଏଠି ଜେଣ୍ଡର ଡିମାର୍କେସନଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିକଜ୍ ଆମକୁ ଜଣେଇବ ଯେ କିଏ ବାପା କିଏ ମା ହେଲା କିଏ ପୁଅ କିଏ ଝିଅ ସେ ରିଲେସନଟାକୁ ଜଣେଇବ ଅଲରାଇଟ୍ ସୋ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା ଏତିକି କିଛି ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ନାହିଁ ଖାଲି ବାସ୍ ଆମକୁ ଜେଣ୍ଡରଟା ପୁଟ୍ କରିବାର ଅଛି କ୍ଲିଅର୍ ତ ଯିବା ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଦ ଏକ୍ଜାମ୍ ଲେବଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆମେ କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଛି ସେଇଟା ଦେଖିବା ଆଉ ଆରାମସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡିଲ୍ କରିବା ଆସିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ କନସେପ୍ଟକୁ ନେକ୍ସଟ କନସେପ୍ଟ ହେଲା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ନମ୍ବର୍ସ ଏଇଟା ହେଲା ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆଉ ଏଇଟାର ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିପାରେ ହଁ ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ନମ୍ବର୍ସ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ନମ୍ବର୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ନମ୍ବରକୁ କ୍ଲାସିଫାଏ କରିବି ତାପରେ ନମ୍ବରକୁ କ୍ଲାସିଫାଏ କଲା ପରେ ତମକୁ ବୁଝେଇବି ଯେ କେଉଁ ନମ୍ବରର ମାନେ କ'ଣ ଆଉ ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ତ ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ଯଦି କ୍ଲାସିଫାଏ କରିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଯିବ ରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଆଉ ଇମାଜିନାରୀ ନମ୍ବର ହେଲା ରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଆଉ ଇମାଜିନାରୀ ନମ୍ବର ତାପରେ ଆସିଯିବ ରିଏଲ୍ ନମ୍ବରର କ୍ଲାସିଫିକେସନ ହେଲା ଇରେସନାଲ୍ ନମ୍ବର ଇରେସନାଲ୍ ନମ୍ବର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରାସିଓନାଲ୍ ନମ୍ବର ହେଲା ନମ୍ବରର ସର୍ଟ ଫର୍ମ ଲେଖୁଛି ତାପରେ ସେଠୁ ପୁଣି ରାସିଓନାଲ୍ ନମ୍ବରର କ୍ଲାସିଫିକେସନ ହେଲେ ଆସିଯିବ ଗୋଟେ ହେଲା ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇଣ୍ଟିଜର ତାପରେ ପୁଣି ଫ୍ରାକ୍ସନର କ୍ଲାସିଫିକେସନ ହେଲେ ଆସିଯିବ ପ୍ରପର ଫ୍ରାକ୍ସନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇମ୍ପ୍ରପର ଫ୍ରାକ୍ସନ ତାପରେ ସେଠୁ ଇଣ୍ଟିଜର ସେମିତି କ୍ଲାସିଫାଏ ହେଲେ କ'ଣ ଆସିଯିବ ଗୋଟେ ଆସିଯିବ ନେଗେଟିଭ ଇଣ୍ଟିଜର ସର୍ଟ ଫର୍ମ ଲେଖୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପଜିଟିଭ ଇଣ୍ଟିଜର ଅର୍ ପଜିଟିଭ ଇଣ୍ଟିଜରଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଅର୍ ହୋଲ୍ ନମ୍ବର ଆମେ ଯଦି ପୁଣି ପଜିଟିଭ ଇଣ୍ଟିଜର ଅର୍ ହୋଲ୍ ନମ୍ବରକୁ କ୍ଲାସିଫାଏ କରିବା ତାହେଲେ ଆସିଯିବ ଜିରୋ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର ହେଲା ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ୟାର ମାନେ କ'ଣ ଏବେ ଆମେ କ୍ଲାସିଫାଏ କରିଦେଲେ ତ ରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲ ନମ୍ବର ହେଲା ଯୋଉଟା କି ଆମେ ନମ୍ବର ଲାଇନରେ ପ୍ଲେସ୍ କରିପାରିବା ନମ୍ବର ଲାଇନ କ'ଣ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଏବେ ଖାଲି ନମ୍ବର ଲାଇନରେ ଯୋଉଟା ଆମେ ପ୍ଲେସ୍ କରିପାରିବା ଆଉ ଯୋଉଟା ଆକ୍ଚୁଆଲ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଡିଜିଟ୍ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଡିଜିଟ୍ ହେଲା ସେଇଗୁଡ଼ା ହେଲା ରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଇମାଜିନାରୀ ନମ୍ବର କ'ଣ ଇମାଜିନାରୀ ନମ୍ବର ହେଲା ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ଅର୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଯୋଉଟାକି ନମ୍ବର ଲାଇନରେ ଆମେ ପ୍ଲେସ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ ହେଲା ନମ୍ବର ଲାଇନରେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ଲେସ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ ରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲ ନମ୍ବର ଅର୍ ଡିଜିଟ୍ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ନମ୍ବର ଲାଇନରେ ପ୍ଲେସ୍ କରିପାରିବା ଇମାଜିନାରୀ ନମ୍ବର ହେଲା ସିମ୍ବଲ ଅର୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଯୋଉଟା ନମ୍ବର ଲାଇନରେ ପ୍ଲେସ୍ କରିପାରିବାନି ଇମାଜିନାରୀ ନମ୍ବରର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଲା ଆୟୋଟା ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଆୟୋଟା ଏଇଟା ସିମ୍ବଲ ଆୟୋଟାର କି ରୁଟ୍ ଆୟୋଟା ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ଆୟୋଟା ରୁଟ୍ ଓଭର ଅଫ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ଏଠି କହିବ ତମେ ରୁଟ୍ ଓଭର ଅଫ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏଠି ତ ଡିଜିଟ୍ ଅଛି ବଟ୍ ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ଟୁର ରୁଟ୍ ଓଭର କିଛି ଜିନିଷ ନଥାଏ ମାଇନସ୍ ଟୁର ରୁଟ୍ ଓଭର ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ସ୍କୋୟାର କରୁଛେ ତାହେଲେ ନମ୍ବର ବାହାରିବନି ଗୋଟେ ମାନେ ଠିକ୍ ନମ୍ବର ବାହାରିବନି ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲା ଇମାଜିନାରୀ ନମ୍ବର କେବେ ଦେଖିଛ ଯେ ମାଇନସ୍ ନମ୍ବରର ସ୍କୋୟାର ମାନେ ରୁଟ୍ ଓଭର ହୁଏ ତ ଏଇଟା ହେଲା ଇମାଜିନାରୀ ନମ୍ବର ଦେନ୍ ଆସିଲା ରିଏଲ୍ ନମ୍ବରର କ୍ଲାସିଫିକେସନ ହେଲା ଇରେସନାଲ ନମ୍ବର ଆଉ ରାସିନାଲ ନମ୍ବର ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଇରେସନାଲ ନମ୍ବର ଇରେସନାଲ ନମ୍ବର କ'ଣ ଯାହାକୁ ପି ବାଇ କ୍ୟୁ ଫର୍ମରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିହବନି ସେଇ ନମ୍ବରକୁ ଆମେ କହିବା ଇରେସନାଲ ନମ୍ବର ଆଉ ରାସିନାଲ ନମ୍ବର କ'ଣ ଯାହାକୁ ପି ବାଇ କ୍ୟୁ ଫର୍ମରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିହବ ଆଉ ପି ଆଣ୍ଡ କ୍ୟୁ ହେଲା ଇଣ୍ଟିଜର୍ସ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଉ କ୍ୟୁ ଇଜ୍ ମାନେ ଡିନୋମିନେଟର ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜିରୋ ହେଲା ଡିନୋମିନେଟର ନ୍ୟୁମରେଟର ଫ୍ରାକ୍ସନରେ ପଡିବ ନ୍ୟୁମରେଟର ଯୋଉଟା ଉପରେ ଥାଏ ଯୋଉଟା ଡିନୋମିନେଟର ଯୋଉଟା ତଳେ ଥାଏ ତ ଏଇ ଯୋଉ ତଳେ କ୍ୟୁ ଥିବ ପି ବାଇ କ୍ୟୁ ଫର୍ମରେ ତ କ୍ୟୁ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜିରୋ ଆଉ ଏଠି ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟର କି ଜିରୋ ଇଜ୍ ଏ ରାସିନାଲ ନମ୍ବର ସର୍ଟ ଫର୍ମ ଲେଖୁଛି ଜିରୋ ଇଜ୍ ଏ ରାସିନାଲ ନମ୍ବର
कहीं जीरो रैशनाल नंबर कहीं ना क्यूटा जीरो ही परिवर्तनी माने 1 बाय 0 रो किछ वैल्यू नै हला त वैल्यू हमें इन्फिनिटी कह परे और कैंट बी प्रेडिक्टेड बट 0 बाय 1 रो वैल्यू हला 0 0 बाय 1 हले कोन p हला 0 q हला 1 q त एठी 0 नै तो सेति पई 0 टा हला गोटे कोन रैशनल नंबर एटा भी गोटे माने क्वेश्चंस पड़ी परे जे 0 इज रैशनल नंबर और रीजनल नंबर एटा हो देन आउ गोटे हला जदी हमें ट्राई करबे जे स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर और लार्जेस्ट रैशनल नंबर बाहर करेगु ताहले भी आमे एटा प्रेडिक्ट करि परिबेनि काहेना किछि स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर कि किछि लार्जेस्ट रैशनल नंबर नाही हला जत्ते बाहर करिवो सेते ऊपर जो जत्ते तळगु जीव नंबर लाइन ने सेते तळगु जाई परिवो इन्फिनिटी जाय एटा आमे नंबर लाइन कलाळ को एटा बेटर बुझी परिबा तो इरेशनल नंबर रो एग्जांपल जदि आमे देखिबा ताले कोन होबो √2 √3 √10 इवन कि पाए हला इरेशनल नंबर काहेना पाए रो वैल्यू आमे जानछ 22/7 बट पायर वैल्यू 22/7 ता रियल वैल्यू मो एटा गोटे अप्रोक्सीमेट और क्लोज वैल्यू तो सेति पई एटा गोटे इरेशनल नंबर हला आउ जदी 1.34567 एमती एटा हला इरेशनल नंबर कैना को p बाय q फॉर्म रे रिप्रेजेंट करी हबनी माने गोटे फ्रैक्शन फॉर्म रे रिप्रेजेंट करी हबनी हला जोटी कि रैशनल नंबर रो जदी एग्जांपल देखिबा आमे ताले कोन हबो 2/3 गोटे रैशनल नंबर 1.4545 एटा गोटे रैशनल नंबर कने रिपीटिंग डेसिमल एटा को फ्रैक्शन रे करी होबो देन 7/8 गोटे रैशनल नंबर -3.4 भी गोटे रैशनल नंबर हैला केमति रैशनल नंबर कने -3.4 टा को कन्वर्ट करी होबो गोटे फ्रैक्शंस रे हैला तो सेति पई जो गोडा को p / q फॉर्म रे करी होबो आ q इज नॉट इक्वल टू 0 सेटा हला रैशनल नंबर जोडा p / q फॉर्म रे करी होबोनी सेटा हला इरेशनल नंबर तापर पुनी रैशनल नंबर रो क्लासिफिकेशन हला फ्रैक्शन आमे एटा नेक्स्ट रे देखिबा तो आमे जदी देखिबा रैशनल नंबर रो जो क्लासिफिकेशन देखतिले से अधा टेबल देखिबा ताले रैशनल नंबर रो क्लासिफिकेशन हला कोन फ्रैक्शन आ गोटे हला इंटीजर इंटीजर रो पुनी जदी क्लासिफिकेशन करिबा ताले हला नेगेटिव इंटीजर आ गोटे हला पॉजिटिव इंटीजर और ताकु आमे कोन कहिबा होल नंबर एटा को जदी पुनी क्लासिफाई करिबा ताले सेटा कोन हबो गोटेला 0 आ गोटेला नेचुरल नंबर हला नेचुरल नंबर जंदी 1 2 3 एटु स्टार्ट होउछि आ फ्रैक्शन रो क्लासिफिकेशन कोन हेतला फ्रैक्शन रो हेतला गोटेला प्रॉपर फ्रैक्शन आ गोटेला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एटा बेसिक क्लासिफिकेशन फ्रैक्शन रो फ्रैक्शन रो आ बहुत सारा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन रिकरिंग डेसिमल एंड ऑल सो फ्रैक्शन रो आउरी क्लासिफिकेशन अछि बट सेटा हमर इंपोर्टेंट नहो एतिक इंपोर्टेंट तो एतिक मु कहू छी प्रॉपर फ्रैक्शन आउ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हां तो फ्रैक्शन रो डेफिनेशन कोन फ्रैक्शन रो डेफिनेशन हैला सेटा p / q फॉर्म रे रिप्रेजेंट हे पडतबो आउ q इज नॉट इक्वल टू 0 एटा तो रैशनल नंबर रो भी डेफिनेशन फ्रैक्शन रो आउ एडेड डेफिनेशन रे कोन रहिबो कि फ्रैक्शन गोटे एमते जिंस जोठी कि q इज नॉट मल्टीपल ऑफ p हैला q टा p रो मल्टीपल हे नथिबो काहेना जदी q रो p टा मल्टीपल हबो सपोज मु कहबी 4/2 टा गोटे फ्रैक्शन बट एटी 2 तो 4 रो मल्टीपल ना तो मु एटा काट देबी 2 2 जा 4 2 हे गला एटा गोटे इंटीजर हे गला फ्रैक्शन तो रहिलानी तो जोठी q टा p रो मल्टीपल न हेथिबो सेटा हला फ्रैक्शन आउ सब डेफिनेशन रैशनल नंबर रो जा फ्रैक्शन रो सेया तो फ्रैक्शन रो पुनी दीटा टाइप अछि प्रॉपर आउ इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन कोटा फ्रैक्शन माने कोन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर जंति कि p / q p टा हला न्यूमरेटर q टा हला डिनोमिनेटर तो प्रॉपर फ्रैक्शन कोन प्रॉपर फ्रैक्शन जोटी न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर टा लार्जर देन न्यूमरेटर एका कथा आ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कोटी जो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हला माने प्रॉपर फ्रैक्शन रो एग्जांपल कहले कोन हबो जदि मु लेखिबी 4/5 ताले एटा प्रॉपर फ्रैक्शन बट मु जदि 5/4 लिख देली ताले सेटा ला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कने ऊपर न्यूमरेटर बड़ा अछि डिनोमिनेटर सेट टाइम प्रॉपर एटी न्यूमरेटर छोटा अछि डिनोमिनेटर सेट टाइम प्रॉपर देन हम देखबा इंटीजर इंटीजर कोन सेटा p / q फॉर्म रे फ्रैक्शन भलिया नथिबो हला सेटा सिंपल डिजिट फॉर्म रे थिबो बट सेटा पुनी नेगेटिव इंटीजर अछि पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर जेंती -1 -2 -3 पॉजिटिव इंटीजर हला +1 2 3 आउ 0 भी अछि सेटा को होल नंबर कोहंति तो 0 1 2 3 एमती अप टू इन्फिनिटी एटा को कोहंति पॉजिटिव इंटीजर और होल नंबर नेगेटिव इंटीजर सेंती -1 -2 -3 एमती आउ से यदि हमें होल नंबर को देन डिवाइड करबा ताले 0 आउ नेचुरल नंबर 1 लु स्टार्ट
जीरोटा गोटे नेचुरल नंबर नुह जीरोटा गोटे होल नंबर बट जीरोटा गोटे नेचुरल नंबर नुह वन टू थ्री फोर फाइव एमती एटा है नेचुरल नंबर ये नेचुरल नंबर को लेकिन आम आगे पर क्लासीफाए करवा फ्रैक्शन रो गोटे क्लासीफिकेसन इंपोर्टेंट मुझे मेनसन करदे गोटे है टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन आउ गोटे नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कौन जमी फॉर एग्जांपल 3 बाय 2 नहीं जाओ है 3 बाय 2 टा 1.5 हो जाउछि माने एटा टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन माने एटा को ओटे डेसिमल फॉर्म रे आमे प्रेजेंट कर दउछे बट जदि मु एठी नेबी 1 बाय 3 ताहाले एटा केते जाउछि 0.3333 एमती डॉट 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 माने 3 टा ही ए होउछि त एटा हला नॉन टर्मिनेटिंग माने एटा को टर्मिनेट कराहि पाउने डेसिमल को सेमती रिपीटिंग रहउछि हला आउ जेम रैशनल नंबर कही जीरो बाई एक्स इक्वल टू जीरो हैला बट एक्स बाई जीरो इज नॉन प्रेडिक्टेबल और कैन प्रेडिक्टेबल और इनफिनिटी एटा कही परिबा हैला तो जीरो बाई एक्स जो थी गोटे फ्रैक्शन बट एक्स बै जीरो किसी फ्रैक्शन पसिबल नुह है गोटे इरेशनल नंबर एवं आसवा इंटीजर को आउ टे डिटेल करवा इंटीजर टेबुल कौन लिखा था इंटीजर नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर हला होल नंबर रु से उठो आसला जीरो आउ नेचुरल नंबर या को जदि हमें भलसे ये करिबा ताहले फर्स्ट कौन आसिबो होल नंबर कौन जीरो वन टू थ्री फोर डट ये जिनसा को भलसे बुझ ये जिनसा ही पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन आसा होल नंबर पर नेचुरल नंबर कौन हो नेचुरल नंबर है जो 1 टू स्टार्ट हो हला 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एक्स्ट्रा हम कहि परिबे जे 1 टू एतिक जे हला नेचुरल नंबर आउ 0 प्लस एतिक हला होल नंबर हला आउ हम जदी इंटीजर कहिबा ताले सेतरे माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 इगुडा भी आसीबो इंटीजर 0 भी हबो इंटीजर प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 इगुडा भी आसीबो हला आउ रूट ओवर ऑफ 49 इक्वल टू 7 हला तो रूट ओवर ऑफ 49 इज आल्सो एन इंटीजर जदी 7 न होता ताले एटा गोटे इरेशनल नंबर हो जाता।